नमस्कार दोस्तों, ये देखिए हमारे पास जो है मेडिकल 200 ओपन है। तो हम जो है आज करेंगे ओप्पो A57 अनलॉक और FRP कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ इससे। ये देखिए हमारे पास है ओप्पो का A57 मॉडल, CPH है 1701। ठीक है, तो भैया इसके बारे में बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, समझ में नहीं आता तो कुछ, या वीडियो अच्छी लगे तो भी बताना मुझे और शेयर करना। और मैं इसका ड्राइवर जो आपको बताऊंगा, ड्राइवर आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे प्रॉब्लम होती है। ये देखिए हमारा CPS जो है 1701 है, तो इसे हम अनलॉक करेंगे। ये देखिए पहले हम जाएंगे डिवाइस मैनेजर में। ठीक है, डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद हम पोर्ट बनाएंगे, वॉल्यूम प्लस और माइनस दबा के फ़ोन को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा फ़ोन पोर्ट बनाया नहीं बनाया। ये देखिए हमारा पोर्ट बना तो लिया है, पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, हम अपडेट करेंगे। ब्राउज माय कंप्यूटर में जाएंगे, लेट मी पिकअप। ठीक है, तो ये देखिए हम नेक्स्ट करेंगे, हम सर्च विंडो नहीं करेंगे, हम बैक जाएंगे तो दोबारा से ड्राइवर अपडेट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इशू आती है क्वालकॉम का ड्राइवर में इंस्टॉल में, तो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और वो वीडियो बना रखी है मैंने, वहाँ पे आपको ड्राइवर भी मिल जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि दो दो ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। मेरा एक ड्राइवर इंस्टॉल है, ठीक है, उसके बाद भी देखो ये एरर का प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये जो है कैसे इंस्टॉल होगा तो ये मैं आपको बताऊँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद ही ट्राई करना। आपको ये भी एक चीज़ और बताऊँगा मैं, मेरा जो है फ़ोन हैंग हो गया था, हैंग ऑन लोगो, क्योंकि थोड़ा सा कुछ हमारी जो है गलती के कारण हमारे फ़ोन डेड होने का भी रिस्क होता है, और तो इसलिए आप पूरी वीडियो को देखें उसके बाद ट्राई करें। ये देखिए हमारी जो है सॉफ्टवेयर, ये क्वालकॉम का जो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, मैंने दो तीन ट्राई करके देख लिया है, तो मैंने एक जो है एक्सट्रैक्ट करा है, उसे जो है अभी आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो दोबारा चेक करते हैं, हम अपने ड्राइवर में जाते हैं, ये रहा ड्राइवर, अपडेट करते हैं, ब्राउज माय कंप्यूटर। बहुत बार होता है कि इशू आ जाता है, एक बार इंस्टॉल होने के बाद फिर जल्दी जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती है ड्राइवरों की, तो हम अपने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है मैंने वो, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ड्राइवर, ये कॉल का ड्राइवर है, बैक जाएंगे, ये रहा क्वालकॉम। ठीक है, ये रहा क्वालकॉम का ड्राइवर, ये हमारे नीचे सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, अब नेक्स्ट करेंगे। देखो इंस्टॉल दिस ड्राइवर, तो दोस्तों अगर आपके उसमें प्रॉब्लम आए तो आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो। ये देखिए हमारा ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, देखिए हमारे प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो चुकी है। अब हम रिकल 2.82 खोलेंगे, उसके बाद जाएंगे अपने क्वालकॉम में, क्वालकॉम में जाने के बाद हम ब्रांड चेंज करेंगे और हमारा जो है पोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे, कि पोर्ट जो है हमारा सेलेक्ट हो जाए, ओप्पो सेलेक्ट करेंगे और हम मॉडल सेलेक्ट करेंगे ओप्पो A57। तो दोस्तों मैं सबसे पहले ट्राई करूँगा रीड पैटर्न का, अगर हम जो है पैटर्न रीड करके जो है बिना डाटा उड़ाए इसको अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये जाएंगे हम रीड फॉर्मेट फ्लैश में, रीड पैटर्न हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इसमें जो है ट्राई का ऑप्शन आ रहा है डायरेक्ट अनलॉक का, तो हमारा जो है ये ऐसे नहीं हो पा रहा है, एरर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, फ़ोन को दोबारा से निकालना है फिर लगाना है। ठीक है, यहीं से फिर दोबारा डायरेक्ट फॉर्मेट नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मेट नहीं करना, मैंने डायरेक्ट फॉर्मेट कर दिया था तो मेरा हैंग ऑन लोगो हो गया था, तो ऑन ही नहीं हो पा रहा था। देखो मैंने जो है फॉर्मेट डायरेक्ट कर दिया था, बिना मैंने जो है डाटा केबल निकाले दोबारा से मुझे फ़ोन ऑन करके दोबारा कनेक्ट करना था, तो मैंने जो है ये गलती की, पर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। फ्लैश फाइल मुझे न्यू डालनी पड़ी, वो भी मैं वीडियो डालूँगा,
तो ये देखिए फॉर्मेट तो हमारा डन हो गया है, पर आपको दोबारा से निकालने के बाद दोबारा से कनेक्ट करना है, फिर फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक करना है, फिर आपको जो है स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर FRP लगा हो तो मैं आपको FRP भी दिखाता हूँ, FRP मैं करूँगा। ठीक है, रिमूव अकाउंट लॉक अदर क्लिक करेंगे, अगर FRP लगा हो तो हम जो कनेक्ट करेंगे फ़ोन को, वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के कनेक्ट करेंगे और अपना पोर्ट बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारी जगह फ़ोन कनेक्ट हो गया है, हमने पोर्ट बना लिया है, तो हम स्टार्ट कर देंगे तो हमारी जो है ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी FRP की भी फ्री वन क्लिक से। तो हमारा FRP भी हो चुका है, तो मेरी वीडियो को दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।